के दिन दानी और मैं पहली बार मम्मा और पापा बने थे क्योंकि आज है जैद का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं जैद का बना रही हूँ फेवरेट चिकन का सालन, यमी हो रहा है। बोलोगे सब कुछ होना। बाय बाय गाइस, मैं निकाल रही हूँ टॉफीज जो कि जैद को लेकर जानी है अपने साथ। और ये रहे दावर, मेरा बच्चा तैयार हो गया है। तो गाइस हम आ चुके हैं चांदनी चौक साइकिल मार्केट क्योंकि मुझे जैद के लिए साइकिल लेनी थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ आकर पता चला कि पूरी मार्केट सील हुई हुई है और ध्यान नहीं रहता है ना दानिश, ध्यान नहीं रहता कि आज 14 अगस्त है तो क्या नाम है सारी मार्केट बंद होगी आगे। लेकिन यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ 14 अगस्त को, तो बहुत अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बड़ा ही अच्छा सा क्या नाम है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और मैं बिल्कुल खड़ी हुई हूँ लाल किले के सामने। तो मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको भी व्लॉग में लूँ क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है वो। तो दानिश चले हम आगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा डेकोरेट कर रखा है लाल किला, कितना बड़ा तिरंगा लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कल यहाँ पे जो भी फंक्शन होने वाला है उसकी सारी की सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है और सब लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। तो अभी तक मैं सब कुछ यही देख रही हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ 14 अगस्त को, है ना, हम लोग कभी निकलते नहीं है 15 अगस्त के टाइम। हाँ दानिश भी पहली बार यहाँ इस तरीके से, कभी देखा ही नहीं मैंने चांदनी चौक के साथ। सब जगह यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन हुई हुई है। गाइस हम आए हुए हैं रेड फोर्ट जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। तो यहाँ का माहौल इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने रानिश को बोला कि हम गाड़ी लगा लेते हैं साइड में और मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ और शूट भी कर लेती हूँ हमारे लिए। तो और सब हमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सब हमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। और दानिश को तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ज़्यादा शाय हैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बना रहे वीडियो मेरे साथ, है ना दानिश। वैसे हमारा पहली बार इस तरीके से मौका पड़ा है कि हम लोग बाहर ब्लॉगिंग करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ में आए हैं और रील्स तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है मुझसे यहाँ पर। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि जिस काम से हम लोग बाहर निकले हैं वो काम हमारा होता है या नहीं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो पता नहीं मुझे कि मैं जैद को क्या जवाब दूंगी, कहीं और देख लेते हैं हम लोग अगर मिल जाएगा। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इंशाल्लाह अगर इसके बाद में कहीं पर होगा तो मैं वहाँ कंटिन्यू करूँगी, मिलते हैं आगे वीडियो। गाइस हम आ गए हैं बल्ली मारान चांदनी चौक क्योंकि मुझे अपने लिए कल के लिए स्लीपर्स भी लेनी थी और मैंने पसंद कर ली अपने लिए और अभी दानिश ले रहे हैं। तो दानिश शॉप में ही है। दानिश कोई पसंद आया आपको, दिखाओ। वाह अच्छा लग रहा है ये तो। और कौन कौन से कलर है इसमें? कौन सा अच्छा लग रहा है तो कर दो डन। और मेरा वाला कौन सा था? तो गाइज मैंने अपने लिए कल के लिए ये वाले लिए हैं क्योंकि मैं वाइट पहनने वाली हूँ तो मेरा शूज़ भी वाइट होगा और दानिश तो शायद कुर्ता पजामा ही पहनेंगे, है ना, क्या पहनना है तो देखती हूँ मैं जिस काम से आई थी, अभी वो काम हुआ नहीं है इंशाल्लाह। वे देखते हैं कि अगर कहीं पे मिल जाएगी जैद के लिए साइकिल तो फिर हम वो लेते हुए ही जाएंगे घर पे। हम आ गए हैं खारी बाबरी क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, ख़त्म हो गए थे ना घर में इसलिए। और देखिए आपकी कितनी ज़्यादा भर के चल रही है मार्केट माशाल्लाह से। और कहाँ से लेनी है नानी? सरदार जी की दुकान है ना जिनसे हम लेते हैं, शादी के टाइम पे भी बड़े भर भर के मेवा गए थे वहाँ से, है ना। यहाँ आके ना
मिर्चे की उड़ती है सांस के अंदर। मिर्चों का काम ही तो सारा है, मिर्चों का काम ही तो सारा बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन आज तो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ना सांस में मिर्चे आ रही है पता नहीं क्यों, और हींग की खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा। मैं अपना मास्क ऊपर कर रही हूँ। गाइस हम खारी बाबरी आए हुए हैं और मैंने बच्चों के लिए सामान ले लिया है सारा जो भी बच्चों को पसंद है। एक पैकेट और भी था तो ये सब चीजें मैंने बच्चों के लिए ली हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। गाइस क्योंकि चांदनी चौक बंद था तो मैं आ गई हूँ सिलमपुर और हमने ले ली है जैद के लिए साइकिल और बहुत ही अच्छे रेट में मिल गई है। दानिश कितने की मिली? दानिश कितने की मिली है? ये दिए लो ना हमें। तो हमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गई है 900 की, तो अब मिल गई है तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ मैं क्योंकि खाली हाथ मुझे घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइज अब घर जाके मैं जैद को सरप्राइज दूंगी क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि मैं उसके लिए बाहर ये सामान लेने के लिए आई थी। मैंने उसको यही बोला था कि मम्मा अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रही हैं। तो गाइज इंशाल्लाह मैं घर जा रही हूँ और मैं शूट करूंगी जब मैं जैद को उसकी साइकिल दूंगी। हाँ नारिश सही पैसों में मिल गई है ना हमें, चले अब चलो दानी चलो दानी। गाइस अब हम आ गए हैं सिलमपुर मार्केट में जो कि आज है 15 अगस्त की चांद रात। तो गाइस आज है 15 अगस्त की चांद रात और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा रश हो रहा है। दानिश मेरे कैमरे के सामने तुम क्यों आए जा रहे हो? मुझे ही तो आना है। हाँ मुझे ही तो आना है। तुम्हें कैमरे के सामने आना है और क्या? बोलते तो कुछ होनी आप सुबह नहीं आना मेरे पास। मैंने ले लिया जैद का केक। कहाँ है? तो गाइस हमने जैद का केक ले लिया है। जैद का केक आ गया। ले जल्दी आओ इधर मेरा बच्चा। खुश हो तुम? अच्छा लग रहा है? पढ़ के बताओ उस पे क्या लिखवाया मम्मा ने? क्या यूट्यूबर? और नीचे भी लिखा हुआ है कुछ यूट्यूबर जैद मलिक। यूट्यूबर जैद मलिक इंशाल्लाह। अच्छा लगा? हाँ। चलो ठीक। गलती से लो अपनी है जो तुम्हें चाहिए थी है? आ गई तुम्हारी गाड़ी है शो ना? आ गई तुम्हारी गाड़ी। सही लगा? तो दावर उड़ गए हैं सोकर और इसकी क्यूटनेस वाली शक्ल। अबे सही कर मुंह को, सही कर इसे मुंह को। देखो तुम्हारा स्कूटर आ गया, चलो जल्दी से निकालो इसे, निकालो चलो जल्दी दोनों। कैसी लग रही है सेहत? बहुत अच्छी। अच्छी लग रही है शोना? आओ शोना। बाबर चला रोहित की तरह।
तो गाइस अम्मी बना रही हैं पूरियां, क्योंकि आज जैद का बर्थडे है इसलिए अम्मी ने बड़े ही प्यार से बनाई है सब्जी पूरी, और साथ में क्या है खीर भी बनाई है अम्मी ने, बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ बैठी हैं बच्चों की खाला, देखना जरा इधर जरा खाला जान तो छोटी बना रही है यहाँ पे पूरी बेल बेल कर अम्मी को दे रही है, और अम्मी बना रही है इधर गरम गरम पूरियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी ही प्यारी सी लग रही है। तो गाइज मैं दिखा देती हूँ आपको कि अंदर दस्तरखान लग गया है, तो दस्तरखान लग गया है, और ये रही खीर जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही है, और ये रही सब्जी, और ये रही कचौरी, कचौरी नहीं पूरी और ये रहे हमारे बर्थडे बॉय। अच्छा लगा शोना आपको नानी का गिफ्ट है मेरे बच्चे? और दब्बू तुम? मैं भी तो, मेरा भी तो अभी आया था बर्थडे। अरे लेकिन आज तो बर्थडे जैद भाई का है ना? और ये रहे हमारे जैन। तो चलो जल्दी जल्दी से अब शुरू करो, निकालो नानी, वैद भाई आओ, आओ जल्दी से आओ नानी निकालो ना, चलो शुरू करो, भाभी भैया को भी बुला लो, आओ आओ बच्चों, भैया को भी बुला लो, नीचे से साथ में खाएंगे सब। तो तू खीर खा लियो, लो खीर खा लो सोना आप, हम तो नहीं खा रहे खीर। लो जैद आपको भी खीर खानी है बेटे, ठीक है ठीक है, दबू ले लो। चलो बच्चे पहले खीर खाएंगे और मैं खा रही हूँ खाना। तो गाइज ये है मेरा केक, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा केक लिया है, वो भी जैद के कहने पर, है ना जैद, क्योंकि मैं केक खाती नहीं हूँ। और ये खा रहे हैं दब्बू केक है ना, बाकी सब केक खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मम्मा को पूरी प्लेट भर के खिलाऊंगा, मम्मा कभी भी नहीं खाती है, आज अगर मम्मा ने नहीं खाया मैं बोलूंगा नहीं थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा मैंने ले लिया, देखो जैद आपके कहने पे मैंने थोड़ा सा केक ले लिया, ठीक है, इतना इतने दो पीस और नहीं, दो पीस और नहीं, बस मेरे लिए यही बहुत है। गाइस हम घर पे आ गए हैं, और उस टाइम पे तो जैद की नानी के यहाँ पर हमने जैद का सरप्राइज गिफ्ट खोला था, जो हम जैद के लिए स्कूटर लेकर आए थे। तो गाइस जैद का गिफ्ट अब हम घर पर आ गए हैं, तो अब यहाँ पर भी खोलना बनता है, क्योंकि जैद वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, उसको लग नहीं रहा था, क्योंकि वो हर एक चीज मना करे जा रहे थे ना मुझसे कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, मम्मा कुछ भी मत लेकर आना सब कुछ है। तो अब हम जैद का स्कूटर दोबारा से खोलेंगे, ठीक है, और जैद अब खुद खोलेंगे, सोना खोलो अपना स्कूटर अच्छे से। और जब हम जा रहे थे ना लेने के लिए, तो दानिश हर शॉप वाले से यही बोल रहे थे
कि मुझे रोहित का स्कूटर चाहिए, रोहित का स्कूटर। तो दुकान वाले कह रहे रोहित का स्कूटर मतलब, तो वो बोलने अच्छा अच्छा कोई मिल गया वाला रोहित का स्कूटर, क्या चाहिए ये क्या चाहिए। और ये जैन है यहाँ पे जो कि बस सोच लिया है जैन ने कि बस मम्मा को परेशान करना है बहुत ज्यादा वाला। और जैद अपना स्कूटर खोल रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा जो सबसे बेस्ट था ना हमारे स्लमपुर मार्केट में, क्योंकि जहाँ हम लेने गए थे बच्चों की साइकिल वगैरह और हमेशा मैंने बच्चों की गाड़ियाँ रिक्शे सब मैंने चांदनी चौक से खरीदी है, पहला टॉय होगा ये है ना नानिश, हमने पहला खिलौना लिया है ना सिलमपुर से, तो हमने पहली कोई गाड़ी ली है सिलमपुर से, क्योंकि आज बस सिलमपुर मार्केट ही खुली हुई थी। और जो पूरे सिलमपुर में सबसे अच्छा था ना, क्योंकि जितने भी वहाँ पे शॉप्स थी सब जगह ट्राई करने के बाद में हमने ये वाला स्कूटर फाइनल किया, और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है यहाँ के हिसाब से है ना, बेहतर है। और सबको सबसे मेन चीज की सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो दानिश कर रहे हैं इसको सेट, और जैद जैद के फेस पे अलग ही खुशी हो रही है मेरे बच्चे के मुंह पे। प्यारा सा बच्चा आज बड़ा ही क्यूट लग रहा है। और बस दिखाना, जैद आज भी गए थे अपनी ड्रेसिंग कराने के लिए डॉक्टर के, क्योंकि आज भी जैद की फिंगर में से बहुत ज्यादा ब्लड निकला था, पता नहीं किस तरीके से लगी है ये। तो गाइस जैद का स्कूटर बिल्कुल रेडी हो गया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। शोना चलाकर दिखाओ मुझे जल्दी से। तो ये आ गए हैं जैद, चलो चलाकर दिखा दो अब अच्छे से। अरे वाह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शोना, कोई बात नहीं। अरे वाह हाँ नहीं शोना, आप अपनी फिंगर पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना, डॉक्टर ने मना कराया आपको है ना। तो बहुत अच्छी लग रही हो शोना, चलो अब जल्दी से दब्बू को दिखाओ। दावर आप चलाकर दिखाओ मेरे बेटे। अबे अब दावर चला रहे हैं और दावर को बहुत मजे आ रहे हैं। दब्बू चल नहीं रहा तुमसे शोना है मेरे बच्चे, रोहित वाला स्कूटर चाहिए था ना आपको, तो यही है रोहित वाला स्कूटर। तो गाइस घर में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए हर तरीके की गाड़ी मौजूद है, और जो टूट गई है ना वो अभी पिछले मंथ गई है कबाड़े में, और अब उनकी भी डिमांड हो रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे कि बच्चों का जो स्टार्टिंग रिक्शा होता है ना, रिक्शा गाड़ी जो होती है, तो दावर की वो डिमांड हो रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। शोना अब आप बड़े हो रहे हो ना, तो अब आप यही चलाना है ना। और ये रहे यहाँ पे दानिश जो कि जैन के साथ खेल रहे हैं, दिखाना जरा इसकी शक्ल। ओए जैन कितना परेशान करा ना आज मम्मा को, बहुत परेशान करा आज मुझे जो बात है। तो बच्चे कर रहे हैं इंजॉय, और मैं व्लॉग करती हूँ कंटिन्यू, जो जो मैंने आज सामान लिया है मैं वो सब व्लॉग में बिल्कुल लेना चाहती हूँ। तो गाइज मैं अपना सामान लेकर आ रही हूँ, इतने व्लॉग रोक रही। तो गाइज ये रही मेरी सारी शॉपिंग, जो मैं अभी ये सब सामान खोलूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी ये जो छोटू सी पैकिंग है, वो इसमें बहुत ही कीमती सामान है हमारा सुबह के लिए है ना नानिश। रात का 1 बज रहा है इस वक्त यार, कल रात से हमारा व्लॉग चल रहा है और अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। नानिश निकाल रहा है इतना, तो गाइज ये है जैद और दावर की टी शर्ट। हाँ मतलब किसी हद तक इसका जो मटेरियल है ना इसका, ये किसी हद तक बेहतर है, और ये मैंने सिलमपुर से खरीदी है, और जबकि अपने जाफराबाद में भी मैंने आते में देखा कि बहुत ज्यादा वहाँ पे भी सामान मिल रहा था, और अच्छी खासी बड़ी बड़ी दुकानें मतलब इन्हीं सब टी शर्ट से भरी हुई थी, तो अच्छा खासा सामान था, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी तो बच्चों के लिए मैंने ये ले ली। और ये गंदी सी हो रही है क्योंकि ये वाइट है, तो मैं इन्हें अभी धोऊंगी, इनको धोऊंगी और अभी सुखाऊंगी ताकि बच्चे सुबह टाइम से पहन लें, ठीक है।
ठीक है ना अनिश? ओके लो ये इसके अंदर। गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने बल्ली मारान से दानिश के ये शूज लिए थे। दानिश चेक करो, जो कि दानिश आसानी से ना एकदम से इनको कोई चीज पसंद नहीं आती, तो ये मैं अपनी कहूँ या उन शॉप वालों की कहूँ कि बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है कि दानिश को ये शूज पसंद आ गए। इसमें ना सोल अलग से रखा हुआ। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं ब्रश से अच्छे से धो दिया करूंगी इसको। वो मेरे वो है ना कंपनी वाले जो होते हैं, हाँ उनमें तो चिपका हुआ होता है बढ़िया करके। अच्छी बात है, मैं इसको ब्रश से करके धो दिया करूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कल पहनूंगा। और अच्छा तो दानिश सुबह ये पहनेंगे 15 अगस्त वाले दिन ये वाले शूज, और मेरे हैं ये वाले शूज। काफी सालों बाद में इस तरीके की, 8 साल बाद है, दानिश को सब याद है। 8 साल बाद में ये जूतियां लेकर आई हूँ इस तरीके की, और मुझे बड़ी ही प्यारी लग रही थी और मेरे पैरों में तो चेंज जो हुआ पीछे वो हाँ। तो गाइस पहले ना इस तरीके के नहीं आते थे इसके, ये नीचे से क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन वाला ये नीचे से इसका ये आने लगा है। तो ये सबसे बेहतरीन बात जो है ना वो यही है कि ये अच्छा है, इसका स्लिप नहीं होगा ये शूज। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़े ही प्यारा सा शूज है मेरा ये, मैं कुछ इस तरीके का ही चाह रही थी। वैसे तो खैर मैं कोल्हापुरी लेने के लिए गई थी, और लेकिन ये ले लिए मैंने, ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और दानिश लेकर बैठ गए मेरा कुर्ता जो कि मैं कल पहनने वाली हूँ, और इस ये भी दानिश की पसंद का है। इसका जो ये प्रिंट है ये दानिश को बहुत अच्छा लग गया था एकदम से। मैं कुछ ऐसा सही पहनी हुई हूँ, लेकिन ये ब्लैक और वाइट है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा इसके साथ। मैं पहनने वाली हूँ वाइट ट्राउजर और वाइट दुपट्टा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज सुबह मैं आपको यही, सुबह क्या मतलब 15 अगस्त वाले दिन वाला जो ब्लॉग होगा उसमें मैं यही वाला कुर्ता डालने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो आज की शॉपिंग का हुआ यहीं पर एंड, मैंने बस यही सब कुछ लिया है आज। जैदा और पापा अपने लिए क्या लेकर आए देखो जल्दी। दावर ये कहाँ से आ गया? ड्रामा क्या कर रहा है? ड्रामा। अबे कमील लेके तो मैं आई हूँ, सारा प्यार पापा के लिए मम्मा के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे लिए। तो गाइस बच्चों के लिए मैंने आपको जब ही दिखा दी थी मैंने ये वाली सौंफ ली थी, और ये वाली जो होती है छोटी छोटी सी गोलियां मीठी होती हैं खट्टी मीठी, ये ली थी। और ये वाली सौंफ ली थी कलरफुल वाली, और ये ली थी ग्रीन मिंट वाली सौंफ है ना। तो ये छोटी छोटी हमने इसलिए लिए, इसमें साइज 2 थे, एक थोड़ा बड़ा था एक छोटा, हमने छोटा इसलिए लिया है ताकि इस छोटे वाले बच्चे के मुंह में ना आराम से आ जाए, क्योंकि ये सौंफ के दीवाने हो रहे हैं, है ना जैन? अच्छा अपने मतलब की चीज फौरन ले ली हाथ में इन्होंने, है दावर वो जैन मेरे तो नाम ही होते। अरे मेरा बच्चा, मेरी ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। अरे भैया, अरे नहीं भैया, नहीं दानिश ऐसे नहीं कर लो, मेरे बच्चे को दे दो। बब क्या होता है? हाँ नारियल वाली, ये वाली तो अच्छी लगती है मुझे। हाँ तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता मुझे ये बता है, कुछ अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है ना, सब अच्छा लगता, सब अच्छा लगता। चलो यहाँ से इधर आ जल्दी से, इधर सब अच्छा लगता, सब अच्छा लगता। यमी यमी रैपर्ड नहीं अभी नहीं, मैं है नहीं, तो मैं इसके लिए कंटेनर तो निकाल दूं ना दानिश साइड में। तो यहाँ पे सामान के लिए ना बहुत ज्यादा वो होने लगी है जिद और बहस। जैन शक्ल देख लो जरा, कैसी भोली सी शक्ल बना लेते हैं एकदम से अपनी। हाँ वो मैं ही दूंगी, एक मिनट रुक जाओ। आपने पैकेट अगर खोल दिया ना तो थोड़ी सी यहाँ पर डाल दो, ठीक है? और थोड़ी सी दानिश, थोड़ी सी
जैद जैद लो बेटा थोड़ी सी मेरा पेट में डाल दी जैन अच्छी है शोना यम 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 बेटा टॉय अलमारी तो बंद कर दो अपनी वो क्यों खोल रखी है और सारे अल्फाबेट्स नीचे डाल रखे हैं आपने तो गाइज अब बच्चों के ना सोने का टाइम हो गया है वैसे तो बहुत देर पहले ही हो गया था क्योंकि रात के ना डेढ़ बजने वाला है रात का हाँ रात का डेढ़ बजने वाला है जल्दी से अब चेंज करो चलो बच्चों चलो चलो तो गाइज आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा मैं बहुत ही ज्यादा मेरी आज कोशिश थी कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा शूट कर पाऊं मैं चांदनी चौक गई थी साइकिल मार्केट तो वो मुझे बंद मिली लेकिन वहां जाने के हिस्से मतलब वहां जाने के बहाने मेरे और बहुत सारे फायदे हो गए कि मैं बहुत दिन से फतेहपुरी मस्जिद वाला जो एरिया है और चांदनी चौक मतलब मैं 2-2.5 साल बाद गई हूँ मैं चांदनी चौक तो साइकिल मार्केट के बहाने मैं पूरा का पूरा अच्छे से घूम कर आ गई और शॉपिंग भी कर ली वहां से दानिश के शूज ले लिए अपने लिए शूज ले लिए और बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह ले ली और खारी बाबरी से बच्चों के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए और बच्चों के लिए सौंफ वगैरह ले ली तो बहुत अच्छा गया आज का दिन काफी थकान वाला भी था फिर वहां से पापा के घर पे हम लोग आए क्योंकि जैद का केक कट करना था हमें बर्थडे का क्योंकि जैद वेट कर रहा था कि मम्मा ने मेरा केक कट नहीं किया अभी तक तो हम लोग जैद का केक लेते हुए ही आए थे रास्ते में से जो मैंने आपको दिखाया भी कि शॉप पर हम लोग मैं केक पसंद कर रही थी वहां पे और उसके बाद में सब कुछ अच्छे से हुआ अम्मी ने बड़े ही प्यार से जैद के लिए क्या नाम है सब्जी पूरी और खीर बनाई थी उसकी पसंदीदा डिश है जैद की है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था मेरा बच्चा काफ़ी इमोशनल है नानी से बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको एक अटैचमेंट है अम्मी से कि बचपन से वो अम्मी के पास ही ज़्यादा रहा है इस वजह से तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही क्योंकि सुबह के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है कल 15 अगस्त है मतलब लड़कों के लिए अच्छे से इंतजाम करने हैं दानिश और दानिश के लिए बच्चे जैद दावर के लिए सारी तैयारी में सब कर सोंगी अपने लिए भी सब कपड़े वगैरह सब निकाल कर सोंगी तो आज के लिए इतना बहुत है इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होगी बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग सी बातें होंगी बहुत कुछ नया करने की कोशिश करूंगी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए और सबसे मेन चीज़ गाइस कि ये जो ये मांझा होता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं अगर तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए थोड़ा सा सेफ रहिए और अल्लाह हाफिज़।